हेलो नमस्कार गुड इवनिंग सभी जुड़े हुए प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जुड़े विद्यार्थियों में संजीव जी, साक्षी सिंह जी, मनोज जी, अमित जी, सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस सेशन में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो आपके देखेंगे वर्ष 2018 में जो ICAR ने जो आपके जो पेपर डिस्कस किया ICAR ने वर्ष 2018 में, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, मैंने पहले भी कहा है कि 2020 में जाकर के पेपर का पैटर्न और जो तरीका है वो परिवर्तन हुआ था। उससे पहले जिस प्रकार से आपके जेट का और आपके जो अन्य राज्यों में जो आपके एंट्रेंस टेस्ट में जो पेपर पूछा जाता था, कुछ उसी प्रकार का पेपर ICAR भी लिया करता था, लेकिन 2020 के बाद में मामला सब कुछ चेंज हो गया, जब से NTA आपके इसमें एग्जामिनेशन जो अथॉरिटी बनी है उसके बाद से। हर्षित जी, मंजू जी, अमित जी, रीना जी, विश्वानी जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो शुरू करते हैं एग्रीकल्चर जो सेगमेंट है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी साथ साथ जो है पेपर सोल्यूशन जो है सर आपके करवा रहे हैं ICAR के। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन का। अपना पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर बेटा, ये रहा, देखिएगा, उकटा रोग जिसे आप विल्ट कहते हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है। विल्ट जो डिजीज होती है वो पैथोजन बताना है कि कौन सा पैथोजन है इसमें। और देखिएगा, विल्ट अगर आप बात करेंगे तो बेटा विल्ट आपके कपास में होती है, विल्ट आपके साइसर एराइटिनम में होती है, विल्ट जो है आपके किस में होती है, क्यूमिनम साइमिनम में होती है, जीरा आपके अमरूद में भी विल्ट होती है। ये कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं और एक यहाँ पर फ्रूट है जिनमें मुख्य रूप से आपको विल्ट की समस्या देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल बेटा, ऑनलाइन जेट का कोर्स आप कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। आज रात 9:15 तक शायद ये कोर्स जो है आपके इसका टेस्ट चल रहा है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो ये बताना है विल्ट किसके द्वारा, तो बेटा विल्ट जो है बैक्टीरिया के माध्यम से नहीं होती है, ये ध्यान रखना है आपको। यहां देखिएगा, फफूंद के द्वारा नहीं होती है। गुड इवनिंग सोना जी, गुड इवनिंग बेटा, शाबाश बेटा। तो बैक्टीरिया, फंगस, विषाणु, वायरस के द्वारा भी नहीं होती, ये किसके द्वारा हो रही है, यहां पर आपके फंगस के द्वारा हो रही है। और देखिएगा, विशेष रूप से अगर देखेंगे तो फ्यूजेरियम, ये फ्यूजेरियम स्पेसीज जो है आपको दिखेगी किसमें, विल्ट में। बिल्कुल बेटा मंजू जी, एकदम सही कहा, फ्यूजेरियम स्पेसीज, एकदम सही शब्दों का इस्तेमाल किया बेटा, यहां पर बी इसका राइट आंसर है। ये जरूर ध्यान रखना, कपास में विल्ट की समस्या होती है, चने में विल्ट की समस्या होती है, जीरे में विल्ट की समस्या होती है, अमरूद में विल्ट की समस्या होती है, ये ध्यान रखना। इसे उकटा रोग कहा जाता है, ये ध्यान रखना। इसमें पौधा ऊपर से सूखना, कुछ आपके जो है इसमें पौधा सूखना जो है धीरे धीरे सूखता है, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है। इसमें प्रभावित जो पार्ट होता है वो ध्यान रखना, इसकी जड़ जो होती है, यहां जड़ में आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना है, जड़ में देखने को मिलेगा इसका जो पैथोजन प्रमुख रूप से जड़ पर अटैक करता है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां क्या है, राइट आंसर जो है बी है। अखिलेश जी बेटा, अभी तो आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, बाद में इस बार जेट का क्रेश कोर्स होगा तो आपको वहां भी एडवांटेज मिलेगा, तो आप क्रेश कोर्स फिर ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन में। हाँ, सूखना बेटा, बिल्कुल यही इसकी पहचान है, पूरा पौधा सूख जाता है इसमें। तो इसका क्या है, पैथोजन आपको देख ही लिया, बी इसका राइट आंसर था। आइएगा अगला क्वेश्चन, शुष्क क्षेत्रों में बेर के वृक्षों की कटाई छटाई किस माह में करनी चाहिए। तो यहां देखिएगा, आपके बेर जीजीपस मोरिशियाना की बात कर रहा है ये, जीजीपस मोरिशियाना की बात कर रहा है, ये रहमनेसी कुल का सदस्य है, ये ध्यान रखना है। ये 2N=40 है, ये ध्यान रखना, 48 है। और यहां अगर देखेंगे तो ये इंडो ब्रह्मा, ये इंडो चाइना जो है इसका उत्पत्ति स्थल है, ये ध्यान रखना। मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्रों का फल है, मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्रों का फल है, ये ध्यान रखना। इसे आप जो है गरीब आदमी का फल कह सकते हैं, गरीब आदमी का फल कह सकते हैं इसे, इसे शुष्क फलों का आप राजा कह सकते हैं, शुष्क फलों का राजा इसे आप कह सकते हैं।
पूछा है इसमें कटाई छटाई, तो देखिएगा फ्रूट्स में अगर आप देखेंगे तो फ्रूट्स में दो फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें आपको हेविली प्रूनिंग की जरूरत होती है, हेविली प्रूनिंग की जरूरत होती है, ये ध्यान रखना है आपको। भारी कटाई छटाई, और ये दो फ्रूट कौन से हैं बेटा, तो एक तो है आपके पास बेर और दूसरा जो है आपके पास वो कौन सा है, ग्रेप्स, अंगूर, वाइटिस विनिफेरा, ये ध्यान रखना। अब पूछा है बेर में कटाई छटाई कब, तो ये ध्यान रखना कि बेर में जो कटाई और छटाई होती है वो आपके 15 अप्रैल से लेकर के, डेट जरूर याद कर ले 15 अप्रैल से 15 मई एग्जैक्टली, ये डेट वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखना एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है 15 अप्रैल से 15 मई, मिड अप्रैल टू मिड मई में इसकी क्या है प्रूनिंग की जाती है, आफ्टर प्रूनिंग ये डोरमेंसी में चला जाता है, ये ध्यान रखना, मई और जून में सुसुप्त अवस्था में रहता है, ये ध्यान रखना आपको। 15 मई के बाद आप कह सकते हो कि ये इसमें क्या है सुषुप्ता अवस्था पाई जाती है, ये ध्यान रखना सुषुप्ता अवस्था पाई जाती है। अब ध्यान रखना गर्मियों में डोरमेंसी में पाया जाता है, तो इस प्रकार इसे कह सकते हैं क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा ऐसा फल वृक्ष है जो गर्मियों में आपके पतझड़ या सुषुप्त अवस्था पाई जाती है, तो कौन से में, बेर में पाई जाती है, गुलाब में बेटा बिल्कुल सही है, अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर गुलाब में बिल्कुल सही है बेटा। अंगूर क्या है आपके एक पर्णपाती है और आपके डोरमेंसी पाई जाती है अंगूर में, यह ध्यान रखना। अंगूर में सुसुप्त अवस्था कब होती है, तो आपके दिसंबर में, जनवरी और दिसंबर फरवरी तक, तो जिस समय यह डोरमेंसी होता है उस समय आप किसमें कर सकते हो, आपके जिसमें देखा जाए तो आप कर सकते हैं अंगूर में, कब कर सकते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा दिसंबर से लेकर के जनवरी वाले महीने में। किसी विद्यार्थी ने पिछली क्लास में या एक दो क्लास पहले बेटा एक क्वेश्चन पूछा था कि सर अंगूर जो है वो सदाबहार है, बेटा अंगूर सदाबहार नहीं है, ये ध्यान रखना, ये आपके डेसीडियस प्लांट भी नहीं है, बेल है, ये ध्यान रखना, पतझड़ी बेल है, इस चीज का ध्यान रखना आपको, पतझड़ी बेल है, ये ध्यान रखना आपको। अंगूर क्या है, पतझड़ी बेल है, ये ध्यान रखना, सदाबहार नहीं है, ये ध्यान रखना आपको, अंगूर में डोरमेंसी पाई जाती है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां क्या है, डी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना बेटा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप। चले बेटा आगे, बिल्कुल सही है राम कैलाश जी, आपने सही कहा, अंगूर में राइट आंसर है। अमित सिंह जी, सर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, बेटा देखिएगा अमित सिंह जी हॉर्टिकल्चर में क्या है, हॉर्टिकल्चर पार्ट किसका है, एग्रीकल्चर का, तो आपको अगर आप स्पेसिफिक अगर हॉर्टिकल्चर से आप एमएससी है पीएचडी है या नेट स्लेट है नेट है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे विशेष रूप से एआरओ हॉर्टिकल्चर जा सकते हैं आप हॉर्टिकल्चर में, बाकी देखेंगे तो आप क्या है एपी वगैरह में जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में आप सब्जेक्ट के मैटर स्पेशलिस्ट बनकर के जा सकते हैं, आप जो है एसएमएस वगैरह सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते वो जा सकते हैं, बाकी जैसे क्या है आप एओ डब्ल्यू इनमें आपके जर्नल एमएससी वगैरह बीएससी डब्ल्यू में चलती है उसके माध्यम से, तो यहां राइट आंसर डी है बेटा। अब आ जाओगे बेटा अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दूध नमूने में गाय का दूध और भैंस के दूध की पकड़ होती है, यानी कि अगर किसी दूध में गाय और दूध का आपके भैंस का दोनों का मिक्स है, किसका, गाय और भैंस का अगर दूध मिक्स है तो कैसे पता लगाया जाए कि यह दूध गाय का है कि भैंस का है, यह मिलावट वाला दूध है, गाय और भैंस के मिलावटी दूध का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, यह ध्यान रखना आपको। हाँ बेटा रेफर कोड जारी हो जाएगा, हम कल रिजल्ट भी बता देंगे उसका। देखिएगा आयोडीन टेस्ट किया जाता है दूध में स्टार्च का पता लगाने के लिए, हंसा परीक्षण किया जाता है गाय और भैंस के दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए, जैसे गाय तथा भैंस के दूध की पहचान करने के लिए, तो हंसा परीक्षण किया जाता है, यह ध्यान रखना। अब देखिएगा यहां पर नाइट्रेट परीक्षण किया जाता है दूध में नाइट्रेट की मात्रा का पता लगाने के लिए, किसकी, नाइट्रेट की मात्रा का पता लगाने के लिए, और यहां देखिएगा अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछ लिया जाए कि दूध में नाइट्रेट की मात्रा होती है, बताइएगा बेटा, अगर कोई विद्यार्थी बता सकता है तो बताइएगा दूध में मात्रा कितनी होती है नाइट्रेट की, यह जरूर ध्यान रखना, पार्ट पर मिलियन में होगी, यह ध्यान रखना आपको। हाँ बिल्कुल सही है आयोडीन स्टार्च,
दूध में नाइट्रेट की मात्रा का पता लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नाइट्रेट टेस्ट पता कर सकते हैं। अब आपको यह बताना है कि दूध में नाइट्रेट की मात्रा कितनी है। बिल्कुल सही है मंजू जी बेटा, संजीव जी सही है, हंसा परीक्षण राइट है, अमित कुमार जी। दूध में नाइट्रेट की मात्रा कितनी होती है? हाँ बिल्कुल बेटा ज्योति जी, यूरिया भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यूरिया भी बोल सकते हैं आप। स्टार्च बी गाय भैंस और आपके नाइट्रेट परीक्षण, आप जैसे क्या है जो है वर्षा जल भी कह सकते हैं, जल की परीक्षण मात्रा भी कह सकते हैं, यह भी सही है। आपको यह बताना है कि दूध में नाइट्रेट की मात्रा कितनी है। तो ध्यान रखना बेटा, दूध में नाइट्रेट की मात्रा आपके जो होती है 0.3 से लेकर के 417.4 ये 7 ppm हो सकती है। लेकिन अगर औसत पूछ लिया जाए, इसका अगर एवरेज पूछ लिया जाए तो लगभग 94.7 ppm के 92.7 ppm के आसपास होता है, या इसको औसत माने तो 90 से लेकर के आप 95 ppm कर लेना, ये होता है, ये ध्यान रखना। आपके 0.3 से लेकर के 417.7 ppm ये ध्यान रखना आपको। तो यहां राइट आंसर तो आपका क्या हो गया, हंसा परीक्षण राइट आंसर हो गया बी इसका, ये ध्यान रखना है, बी इसका राइट आंसर हो गया भाई। तो चलें आगे, आइएगा बेटा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये रहा बायोलॉजी का क्वेश्चन है एक प्रकार से। अगुणित पौधे किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, अगुणित पौधे किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? एम्ब्रियो कल्चर से, आपके बीज पत्र सीड कोट से, कैलस के संवर्धन से, या प्राग कोष के माध्यम से, एंथर कल्चर से, बताइएगा। बिल्कुल सही है, वर्षा जल। बताइएगा बेटा अगुणित पौधे किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, भ्रूण संवर्धन से, बीज पत्र संवर्धन से, कैलस संवर्धन से, या प्राग कोष संवर्धन से? अब ध्यान रखिएगा, अगुणित एक होता है गुणित और एक अगुणित। अब देखिएगा, जहां मेल और फीमेल दोनों में आपस में क्रॉस हो रहा है तो वहां तो आपको क्या है, जैसे मेल और फीमेल यानी कि स्टिग्मा और आपके जो है पराग, जो जहां से परागकण आपको जो है पराग कोष दिख रहे हैं वहां से। अब देखिएगा भ्रूण में तो क्या है, भ्रूण का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो यहां ध्यान रखना फीमेल और मेल का आपस में संयोग है। बीज पत्र में बीज का निर्माण कैसे होगा, मेल और फीमेल के माध्यम से। कैलस संवर्धन में भी स्थिति यही, लेकिन यहां पर अगर देखेंगे एंथर कल्चर में, तो एंथर कल्चर में सिर्फ आपके क्या आ रहा है, ओनली फॉर मेल पार्ट। तो यहां क्या है, अगुणित है, किसी भी प्रकार का आपस में गुणन नहीं है, आपस में क्रॉस नहीं है, यह ध्यान रखना। तो सीधा सिंपल क्वेश्चन है डी। अगर किसी विद्यार्थी को अगर यह क्वेश्चन आता भी नहीं होगा ना, तो भी वो क्या कर सकता है, इसका आंसर दे सकता है। बिल्कुल सही है फिटनेस स्प्रिंग बॉक्स जी बेटा, राइट आंसर जो है बिल्कुल सही है डी, इसका सही जवाब होगा। अमित जी बेटा राइट आंसर है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, राजेंद्र जी बेटा बिल्कुल सही है। यहां देखिएगा ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम क्रॉप को उगाया जाता है, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम क्रॉप को उगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम? क्वेश्चन बताना है कि ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम फसल को उगाया जाता है तेल उत्पादन के लिए। तो बेटा तेल उत्पादन के लिए तो देखिएगा क्या होगा, कैसे, सबसे पहले सोयाबीन लिखो, उसके बाद लिखो आपके मस्टर्ड, उसके बाद लिखो ग्राउंडनट, मूंगफली, प्रमुख रूप से ये सीक्वेंस है। अगर दाल में देखेंगे तो बेटा दाल में प्रमुख रूप से लिखो आपके साइसर एराइटिनम है, फिर लिखो आपके जैसे तूर, अब तूर आप समझ गए होंगे। चारे में अगर हम बात करें तो बेटा चारे में आपके एक तो आता है अलेक्जेंड्रियम सेट, आपके अलेक्जेंड्रियम ये जो है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, दूसरा आपके मेडिकागो सेटाइवा आता है, और आगे अगर लिखे तो हम कह सकते हैं कि जई और कुछ आपके घास वगैरह आती है। अगर बेटा फाइबर की बात करोगे, फाइबर की अगर बात करोगे तो देखिएगा फाइबर में कपास आएगा, जूट आता है आपके प्रमुख रूप से, ये ध्यान रखना भाई। कोई आज आप में से अगर कोई विद्यार्थी ऐसा हो जिसने विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की मेंस की एग्जाम दी हो राजस्थान में,
है कोई ऐसा विद्यार्थी जिसने विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर मेंस की एग्जाम दी हो? 13 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से थे उसमें, 13 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से पूछे गए थे आज के वीडियो की एग्जाम में। 13 क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे थे जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से पूछे गए थे। तो जो विद्यार्थी जिनका बैकग्राउंड आपके एग्रीकल्चर रहा होगा या जिन्होंने जेट की अगर तैयारी की होगी, तो निश्चित रूप से ये 13 के 13 ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने जेट की एग्जाम में चर्चा की हुई है। जेट का जो सिलेबस, जेट और सुपरवाइजर का जो आपके बैच था, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो बैच था, उसमें ये 13 के 13 क्वेश्चन जो है आपके चर्चा की गई थी, ये ध्यान रखना है। तो राइट आंसर यहां पर क्या है, चारा उत्पादन जो है सही आंसर है इसका, सी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना है। चले बेटा अगला क्वेश्चन पर, 13 क्वेश्चन थे बेटा। निश्चित रूप से बेटा फिटनेस फ्रेंक बॉक्सर जी, एग्रीकल्चर का वेटेज प्रत्येक एग्जाम में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से एनवायरमेंटल जो चेंजेज है उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी भी प्रकार की अगर सिक्योरिटी प्रदान करेगा तो वो कौन सा एरिया होगा, आपके एग्रीकल्चर एरिया जो है। अब देखिएगा इस बार यूपीएससी में भी पैटर्न चेंज हुआ था, यूपीएससी में भी लगभग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 17 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर थे और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक से थे। अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित उत्पादों में से किसमें फल का रस काम में नहीं लिया जाता है, फ्रूट रस। अब देखिएगा स्क्वेश, इसमें भी आपके फ्रूट्स का रस जो है वो काम में लिया जाता है, विशेष रूप से नींबू वर्गीय फलों में। अब देखिएगा यहां पर सिरप या शरबत, जेली और कार्डियल, कौन ऐसा विद्यार्थी होगा जो सही जवाब देगा। देखिएगा जो विद्यार्थी सी जवाब देगा वो ध्यान रखना एकदम गलत जवाब दे रहा है, ये तो किसी भी सूरत में नहीं होगा। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, अरे भाई अमरूद जो है, अमरूद को आप क्या करते हैं, अमरूद को आप छीलते हैं, इसको पीलिंग करते हैं, छीलने के बाद आप क्या करते हैं, इसको पानी में बॉइल करते हैं। अरे भाई बॉइल करने के बाद आप छानते हैं कि नहीं करते, छानना। दो तीन दिन पहले आया था जेली, छानना एक प्रोसेस होती है, और इस छानने में बेटा ये क्या है, इस अमरूद का फ्रूट रस ही तो है, ये फ्रूट रस ही है, ये फ्रूट रस है बेटा, ये ध्यान रखना। जो डी आंसर दे रहे थे इसका मतलब उन्होंने सोचा नहीं, डायरेक्टली जेली, जेली कभी भी अमरूद से नहीं बनती है। बिल्कुल बेटा अमरूद से बनती है, लेकिन ध्यान रखना उसका पल्प जो होता है, उसके पल्प को क्रश किया जाता है, उसका जो फ्रूट रस होता है उसी से जेली बनाई जाती है, ये ध्यान रखना। जेली में कभी भी पल्प वाला पार्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना आपको, तो ये ध्यान रखना। यहां पर क्या है, अमरूद वाला जो मामला है आप गलत जवाब दे रहे हो, ये तो किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार से आंसर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कॉर्डियल भी आपके किससे बनाया जाता है, तो आपके नींबू वर्गीय फलों से बनाया जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना अच्छा जवाब आप लोगों ने दिया, यानी कि लगभग 90% विद्यार्थियों ने इसका गलत जवाब दिया है। देखिएगा सिरप और शरबत क्या है, ये सिरप आपके किससे बनाया जाता है, शुगर से बनाया जाता है, और आपके पानी और सिरप आपके क्या होता है, इसमें आर्टिफिशियल जो कलर वगैरह होते हैं वो काम होते हैं, ये ध्यान रखना। बिल्कुल बेटा शरबत में रस नहीं होता, नाम ही शरबत है, ये ध्यान रखना, लेकिन इसमें क्या है, फल रस नहीं होता है, फल रस इज आर एब्सेंट, फ्रूट रस इसमें नहीं होता है, फ्रूट जूस जो है वो एब्सेंट होता है, ये ध्यान रखना है। तो बी इसका राइट आंसर है बेटा। रिजल्ट के बाद में इतने दिनों में पढ़ाई का थोड़ा सा लिंक टूट गया होगा, लेकिन अब जैसे लगातार क्लासेज आपको मिल रही है, तो निश्चित रूप से आप भी क्या है वापस से जुट जाइएगा अपनी तैयारियों में। बहुत से ऐसे विद्यार्थी है जिनका इस बार जेट में मन मुताबिक जो है रिजल्ट नहीं रहा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप और हम मिलकर के दोबारा से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें क्या है बेटर रिजल्ट आप लेकर के आएंगे। तो राइट आंसर क्या है बेटा इसका, बी बिल्कुल सही जवाब है, आप समझ गए होंगे। तो आ जाइएगा बेटा अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित भेड़ों की नस्ल में कौन सी नस्ल सबसे अच्छी ऊन पैदा करती है, इनमें से कौन सी ऐसी भेड़ की नस्ल है जो सबसे अच्छी ऊन के लिए जानी जाती है। चोकला बहुत चौकी है, चोकला से चौखीर, चौकी से ऊन, तो चोकला चौकी है तो ऊन भी इसी से मिलेगी, ये ध्यान रखना। चोकला, इसे राजस्थान की मेरिनो कहते हैं,
इसे राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है क्योंकि मेरिनो से बेस्ट क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है, ये ध्यान रखना। अब यहां देखिएगा, अगर हम बात करें आगे तो देखिएगा चोकला कहां देखने को मिलेगी, तो चोकला बेटा विशेष रूप से शेखावाटी एरिया में देखने को मिलेगी। मारवाड़ी क्या है, तो देखिएगा मारवाड़ी भेड़ की नस्ल है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ज्यादा पाई जाती है। क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ज्यादा पाई जाती है। सोनाड़ी ये भी क्या है, भेड़ की ही नस्ल है। तो बेटा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये ध्यान रखना, बिल्कुल सही है। भारत की मेरिनो कह सकते हैं, राजस्थान की मेरिनो कह सकते हैं, बिल्कुल बेटा सही है। यहां पर क्या है, चोकला राइट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, गलत होने की संभावना है नहीं यहां पर। अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ए राइट आंसर। बेटा अगला क्वेश्चन ये भी बायोलॉजी का है, ये ध्यान रखना, राजस्थान की। अब देखिएगा यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है। वैसे जब दो प्रभावी जीन अपने व्यक्तिगत प्रभावों में एक जैसे हैं, यानी कि उनका आपस में प्रभाव क्या है, एक जैसा है, चनोतर कहते हैं सोनाड़ी को, चनोतर, क्योंकि उसके कान कैसे होते हैं, चरते समय नीचे की तरफ लगते हैं, इसलिए उसे कहते हैं चनोतर। जब दो प्रभावी जीन अपने व्यक्तिगत प्रभाव में एक जैसे होते हैं लेकिन अलग गुण प्ररूपों में उत्पन्न करने के लिए दोनों का अनिवार्य होना आवश्यक है, इस क्रिया को अंतर क्रियाशील कहते हैं। बिल्कुल बेटा राम कैलाश जी सही है आपका। सोनाड़ी जो है उदयपुर वाले क्षेत्र में, सोनाड़ी दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर। अब बताइएगा इसे प्रतिपूरक जीन कहा जाता है कि इसे पूरक जीन या समुच्चयशील जीन या निरोधक जीन, किसके नाम से जाना जाता है? जब दो प्रभावी जीन अपने व्यक्तिगत प्रभाव में एक जैसे होते हैं लेकिन अलग गुण प्ररूपों को उत्पन्न करने के लिए दोनों का होना अनिवार्य है, तब अंतर क्रियाशील होती है, तो देखिएगा इसे प्रतिपूरक जीन के नाम से जाना जाता है। ज्यादा डिस्कस हम यहां नहीं करेंगे क्योंकि ये बायो का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। यहां प्रतिपूरक जीन के नाम से इसे जाना जा सकता है, प्रतिपूरक, प्रतिपूरक, पूरक नहीं प्रतिपूरक। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फसलों में उर्वरक के पोषण की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए इसे डाला जाना चाहिए, फर्टिलाइजर्स की ज्यादा यूज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यानी कि इसका मतलब होता है जिसको कहा जाए कि जितना फर्टिलाइजर डाले उसका ज्यादातर भाग क्या है, यूज हो जाए। तो फसलों में उर्वरक के पोषण की अधिकतम दक्षता एफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए उसे डाला जाना चाहिए ब्रॉडकास्टिंग मेथड के द्वारा, ब्रॉडकास्टिंग मेथड के द्वारा, फिर देखिएगा बीज तथा उर्वरक को मिलाकर के ड्रिल के द्वारा, बीज तथा उर्वरक को मिलाकर ड्रिल के द्वारा, बीज सह उर्वरक ड्रिल मशीन द्वारा और उपरोक्त में से कोई नहीं। बी और सी में से आपको आंसर पकड़ना है, बहुत क्लोजली आंसर है ये, बहुत क्लोजली आंसर है। फिटनेस फ्रेंक बॉक्सर जी ये बायोलॉजी वाले सर से आप थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हो पूरक और प्रतिपूरक का, तो बेटा इसको थोड़ा सा आप आराम से पढ़ना फिर पता लगेगा क्योंकि दोनों बहुत नजदीक है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। ये तो नहीं होगा ब्रॉडकास्ट, तो क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग में आपकी एफिशिएंसी इतनी नहीं मिलेगी, लेकिन एफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए इसे क्या करें, बीज तथा उर्वरक को मिलाकर के ड्रिल द्वारा, यानी कि सी ड्रिल के माध्यम से आप कर सकते हैं या ड्रिल के माध्यम से आप जो है, सी ड्रिल ही है ये एक प्रकार से। तो बीज तथा उर्वरक दोनों को क्या करें, आप मिला लें, सीड और उसको दोनों को आप मिला करके फिर डाल दे और बीज दे। दूसरा बीज सह उर्वरक ड्रिल, यानी कि आपके ये क्या है, ये आपके जिसको कहा जाए तो कुछ इस प्रकार की मशीन है जिसमें सीड अलग है और फर्टिलाइजर अलग है, सीड अलग है और फर्टिलाइजर अलग है, ये ध्यान रखना। अब इसमें एफिशिएंसी तो आएगी लेकिन देखिएगा यहां सीड है तो हो सकता है ये आपके फर्टिलाइजर इसके आगे पीछे यहां हो,
लेकिन इस वाले मेथड में क्या है, बीज और आपके उर्वरक दोनों मिक्स है, तो कुछ मात्रा तो आपके सीड के साथ कोट हो सकती है और कुछ मात्रा जो है आपको देखेंगे तो ये बीज है, तो पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि इसके आसपास ही गिरेगा, यानी कि फर्टिलाइजर और सीड की जो डिस्टेंस है वो इसकी अपेक्षा इसमें कम पाई जाती है, ये ध्यान रखना। तो दोनों को क्या है मिलाकर के तो बराबर मात्रा नहीं मिलेगी दोनों की, कैसे बेटा? तो यहां जो राइट आंसर है ये ध्यान रखना, यहां पर एफिशिएंसी जो है आपके इससे ज्यादा प्राप्त होगी, ये ध्यान रखना आपको, बीज तथा उर्वरक को मिलाकर के। बेटा सीड ड्रिल में आपके सीड और फर्टिलाइजर दोनों को मिलाकर के उसकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, एफिशिएंसी के लिए बेटा यही आएगा बी। इसमें क्या है, बीज और सह उर्वरक ड्रिल मशीन द्वारा, इसमें सीड और फर्टिलाइजर दोनों अलग अलग है, ये ध्यान रखना बस, इसमें दोनों एक साथ है तो सीड के साथ ही फर्टिलाइजर पड़ेगा। आरपीएससी ने बहुत अच्छा और क्लोजली आंसर दिया है इसका। आइएगा बेटा अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिस करने से बेटा ऐसे क्वेश्चंस ही तो आपको इंपॉर्टेंट जो है पता लगते हैं। अधिक उपज प्राप्त करने के लिए वाइटिस विनिफेरा के ट्रांसप्लांटेशन में इष्टतम दूरी कितनी होनी चाहिए? अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अंगूर के जो पौधे लगाते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए ये बताना है। तो देखिएगा 5 मीटर की डिस्टेंस आपके अनार में रखी जाती है, 3 मीटर की दूरी अंगूर में रखी जाती है, और 4 मीटर किसमें है नहीं, 6 मीटर आपके जैसे एक तो किसमें रख सकते हैं आप, नींबू वर्गीय में 6 मीटर डिस्टेंस देखने को मिलेगी, आपके 6 मीटर की डिस्टेंस जो है आपको अमरूद में देखने को मिलेगी, आपके 6 मीटर की डिस्टेंस जो है और आपको जो है किसमें देखने को मिलेगी, बेर में ये देखने को मिलेगी, बाकी जैसे 2 मीटर की डिस्टेंस आपके जैसे पपीते में दिखेगी, 2 मीटर की डिस्टेंस ही आपको केले में नजर आएगी, ये ध्यान रखना आपको। वाइटिस विनिफेरा में 3 मीटर, 3 × 3 मीटर की डिस्टेंस पर, 3 × बिल्कुल सीफू जी राइट आंसर है आपका, 3 × 3। हाँ बिल्कुल बेटा राम कैला जी, येरा नींबू वर्गीय, येरा अमरूद और येरा बेर, 6 × 6 में, ये ध्यान रखना। तो सही जवाब बेटा आपका यहां पर राइट है बेटा ज्योति जी, सही आंसर है नींबू वर्गीय बेल, बिल्कुल सही है बेटा देवराज जी, बिल्कुल सही है, यहां पर आपका बी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, व्हाइट लेग हॉर्न का उत्पत्ति स्थल, तो व्हाइट लेग हॉर्न किसके लिए जानी जाती है, तो अंडा उत्पादन के लिए जानी जाती है, अमेरिका से RIR पूछा है, व्हाइट लेग हॉर्न का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? तो देखिएगा आपके व्हाइट लेग हॉर्न का उत्पत्ति स्थल कौन सा है वो बताना है, तो अमेरिका से आपके रोड आइलैंड रोड RIR है, इटली से आपके कौन सी है व्हाइट लेग हॉर्न, इटली से व्हाइट लेग हॉर्न है, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलोकार्प पीहेन, सुना होगा आपने पीहेन ऑस्ट्रेलोकार्प ऑस्ट्रेलिया से, ये ऑस्ट्रेलोकार्प इस बार पूछ लिया गया था छत्तीसगढ़ पैट में, तो बिल्कुल सही है जवाब बेटा यहां पर क्या है, इटली राइट आंसर है, अंडा उत्पादन के लिए जानी जाती है, ये ध्यान रखना आपको। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पी हेन, तो आपके ऑस्ट्रेलोकार्प, तो यहां क्या है ये ध्यान रखना, पाकिस्तान में कुछ नहीं है बेटा, पाकिस्तान वैसे ही कंगाल है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है, 20 का राइट आंसर है भी तो याद रखने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान क्या है वैसे ही कंगाल है, खाने के लिए अनाज नहीं है तो मुर्गी कहां से आएगी बेटा यहां। आइएगा अगला क्वेश्चन, माइटोसिस से प्राप्त होता है, माइटोसिस से प्राप्त होता है ये बताना है, माइटोसिस से प्राप्त होता है, तो देखिएगा माइटोसिस क्या है समसूत्री, माइटोसिस क्या है समसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन, तो 4 अगुणित कोशिकाएं होती है, 2 द्विगुणित कोशिकाएं होती है, 2 अगुणित कोशिकाएं या 4 द्विगुणित कोशिकाएं होती है बताइएगा,
बेटा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की लगभग लगभग वैकेंसियां जो है आपके तैयार है, और यहां पर अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट में क्या है, आपके डीपीसी का कुछ मामला है, वो डीपीसी का जैसे ही मामला क्लियर होगा वैकेंसी आउट हो जाएगी। लगभग आपके जो है 1300 1350 पोस्टें हैं वो आने की संभावना है, मे बी पॉसिबल लगभग 2 महीने, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 3 महीने। अब यहां ध्यान रखना, आपके माइटोसिस में 2 द्विगुणित कोशिकाएं होती है, आपको पता है समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां क्या है, 2 द्विगुणित कोशिकाएं हैं, ये ध्यान रखना आपको, बिल्कुल सही है, 2 द्विगुणित कोशिकाएं। आरजीसी 936 किस फसल की किस्म है, बहुत अच्छी है, बीज के लिए आपके जानी जाती है। देखिएगा आरजीसी 936 राजस्थान, जी से आप गवार लगा सकते हैं, सी से क्लस्टर बीन लगा सकते हैं। फिर देखिएगा आरजीसी 1003 है इसकी भी, इसकी एक और वैरायटी है पूसा सदाबहार, पूसा सदाबहार, ये ध्यान रखना आपको, चौला की नहीं है, अरंडी की ध्यान रखना, एक वैरायटी अरुणा, अरंडी में ध्यान रखना, मेल मेल और फीमेल का बहुत मैटर मायने करता है, अरंडी की बुआई का समय शुरू हो चुका है, ये ध्यान रखना, जून चल रहा है ना, तो जून और जुलाई इसके बुआई का बहुत अच्छा टाइम है अरंडी का। बाजरा गवार, बिल्कुल बेटा गवार, साइमोप्सिस टेट्रागोना लोबा, साइमोप्सिस टेट्रागोना लोबा, ये इसकी क्या है, आपके बोटनिकल नाम है, लेग्यूमिनेसी फैमिली का है, लेग्यूमिनेसी फैमिली का है, ये भी ध्यान रखना। तो राइट आंसर क्या है, गंवार, डी इसका राइट आंसर है। इस गंवार से ध्यान रखना 33% गम निकाला जाता है, वो गम नहीं है जो आप गम जो है दूसरा गम समझते हो, ये ध्यान रखना, गंवार से कितना 33% गंवार गम निकाला जाता है। ये गम क्या है, ये जो गम बात कर रहा हूं वो कौन सा है, ये गोंद वाला गम है, ये ध्यान रखना आपको, यही इसका क्या है इकोनॉमिकल पार्ट है। वरुणा सरसों की है ना, वरुणा सरसों की है, वरुणा सरसों की, वरुणा, अरे बेटा वरुणा सरसों की है, T40 आपके जो है वरुणा सरसों की, वरुणा सरसों की, चले आगे। तो राइट आंसर इसका डी है, ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन देखो बेटा आपके स्क्रीन पर, केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल CSWR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ शिप एंड वूलन रिसर्च। आज जो है वीडियो के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, केंद्रीय गन्ना, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, और यहां क्या दे रखा था, यहां दे रखा था कोयंबटूर, कोयंबटूर। क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन सी एक संस्थान सुमेलित नहीं है, वीडियो ये बेटा राजस्थान में एग्जाम आयोजित हुई है, आज विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे ग्राम सेवक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ग्राम सेवक कहते हैं, इसका एग्जाम हुआ था, इसमें क्वेश्चन पूछा था केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, ये जिसको कहा जाए, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से था, निम्न में से कौन सी एक संस्थान सुमेलित नहीं है, तो यही क्वेश्चन था जिसमें सुमेलित, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयंबटूर नहीं है, ये लखनऊ में है, ये ध्यान रखना आपको। कोयंबटूर में क्या है, कोयंबटूर में तो SBI है, SBI कौन सा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ध्यान रखना ये सुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है SBI, ये ध्यान रखना आपको। हिसार में तो ध्यान होगा आपको, भैंस अनुसंधान संस्थान मुर्रा के लिए जानी जाती है, अविका नगर में, बिल्कुल बेटा राइट आंसर है, भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस है, और भोपाल में आपके एक और है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। ये क्वेश्चन पूछा था, अगर किसी ने आज वीडियो की एग्जाम दी हुई होगी तो उसको बहुत अच्छा, मतलब गुड फील महसूस हुआ होगा, गुड फील,
बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा कि वाकई में मैंने जो पढ़ा था वो तो पेपर में आ गया। यही नहीं, 12 से 13 क्वेश्चन आपको जो है आज मिले थे एग्जाम में। आनंद गुजरात में आपके नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, ये ध्यान रखना आपको। तो राइट आंसर क्या है, अविकानगर राजस्थान में। अविकानगर में भी पूछे तो ध्यान रखना मालपुरा, पर्टिकुलर लोकेशन मालपुरा, और जिला पूछे तो टोंक। जब इंडिया लेवल की एग्जाम होगी ना, जब इंडिया लेवल की एग्जाम होगी तो ऑप्शन होगा अविकानगर राजस्थान। जब राजस्थान लेवल की एग्जाम होती है तो मालपुरा टोंक दिया हुआ होता है, ये ध्यान रखना। गुड इवनिंग राज जी, गुड इवनिंग पूजा बेटा, गुड इवनिंग। तो यहां क्या है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। चले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा आपके स्क्रीन पर, कितनी उम्र की बकरी से अच्छा मांस प्राप्त किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें जो बकरी जो होती है, अब इसमें मेल भी है फीमेल भी है, दोनों है, बक और बकरी दोनों की बात कर रहे हैं हम, तो अविकालीन और अविवस्त्र दोनों वहीं से बेटा, अविकालीन और अविवस्त्र दोनों वहीं से है। हाँ, अब बताना है तो बेटा पलक जी आपका बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा वीडियो का तो बेटा, क्योंकि एग्रीकल्चर के भी 13 क्वेश्चन थे। हाँ, अब बताओ कितनी उम्र की बकरी से अच्छा मांस प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रखना उसकी उम्र जब छोटी होती है ना तो उसी समय बेस्ट क्वालिटी का जो है मीट उससे प्राप्त होता है। 1 से 2 महीने, 2 से 3 वर्ष, 1 से 2 महीने को तो उसको चराया जाता है, खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, और ये 6 से 12 महीने। बिल्कुल बेटा ये रहा 6 से 12 महीने राइट आंसर है आपके पास। ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है बेटा, ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है 6 से 12 महीने। अरे भाई जिन घरों में जैसे बकरी पालन होता होगा तो बकरी जो पालन होता है उसका जो मेल जो होता है उसको कितनी उम्र में हम बेचते हैं, 6 महीने के बाद ही बेचते हैं। सबसे बेस्ट क्वालिटी का 6 से 12 महीने। तो ये राइट आंसर क्या है इसका, सी है, ये ध्यान रखना। बिल्कुल बेटा सुनील जी सही है। आओ बेटा अगला क्वेश्चन, दलहनी फसलें क्रॉपिंग सिस्टम में उपयुक्त बैठती है। क्रॉपिंग सिस्टम में दलहन फसलें जो है उपयुक्त बैठती है क्योंकि वो लंबी अवधि की फसल है, कम अवधि की फसल है, डिजीज रेसिस्टेंट है या मॉइस्चर स्ट्रेस क्रॉप है। तो अब यहां देखना है दलहन फसलें क्रॉपिंग सिस्टम में। क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब है आपके फसल चक्र की बात कर रहा है ये, किसकी बेटा, फसल चक्र की। और फसल चक्र में दलहनी फसलों को स्थान क्यों दिया जाता है, एक तो ये कम समय में पक जाती है, कम समय में पकना, दूसरा दलहन के बाद में ए दलहनी फसलों को बोना, तो ये दलहन में आपके क्या है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है राइजोबियम के कारण। तीसरा दलहनी फसलें क्या है, मृदा क्षरण अवरोधक है, ये ध्यान रखना। चौथा क्या है, ये फैलने वाली, कुछ हद तक फैलने वाली क्रॉप है, इसलिए दलहनी फसलों को क्रॉप रोटेशन में शामिल किया जाता है। तो क्या कारण है सुनील जी, पलक जी, ज्योति जी, मंजू जी, पूजा जी, बिल्कुल रीना जी राइट आंसर दे रहे हैं आप, कम अवधि की क्रॉप है। तो एक प्रकार से क्रॉप के फेल्योर होने पर उसका क्या करता है, बीमा भी कर देता है एक प्रकार से। आपकी मेन क्रॉप क्या हो गई, फेल्योर हो गई, तो मेन क्रॉप फेल्योर हो गई तो आपके क्या है, कम ड्यूरेशन में आप क्या है, आपके क्या है, जिसको कहा जाए तो कम समय में ये तैयार हो जाती है। तो इसका क्या है, बी जो है वो राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपका। बिल्कुल बेटा सही है, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, गुलाब में प्रवर्धन की विधि है, गुलाब में जो प्रोपोगेशन मेथड है वो किसके द्वारा होता है। तो ये क्वेश्चन 19 में भी पूछ लिया था। हाँ बिल्कुल बेटा पूजा ज्योति जी राइट आंसर है, क्या है, कम पानी में तैयार होती है, कम पानी में, बिल्कुल बेटा सही है। तो गुलाब में प्रवर्धन की विधि है बडिंग के द्वारा, तो बेटा टी बडिंग होती है इसमें, टी कलिकायन, क्या होती है, टी कलिकायन होता है। एयर लेयरिंग, तो एयर लेयरिंग आपके जैसे नींबू में, आपके अमरूद में, और आपके जैसे कुछ हद तक अनार में, बाकी अनार में हार्डवुड कटिंग काम में आती है, ये ध्यान रखना।
बीज के द्वारा देखेंगे तो बीज में देखिएगा सबसे बेस्ट है आपके पपीता। पपीते का प्रवर्धन बीज के द्वारा होता है और यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए जो है वो राइट आंसर है बेटा, बिल्कुल सही है, सही आंसर है आपका, राइट आंसर है। विजय मिश्रा जी उपरोक्त में से कोई नहीं बेटा, बडिंग है ना टी कली का, बडिंग ये रहा तो टी बडिंग, विजय जी टी बडिंग है ना इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पर आओ बेटा, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सी भैंस की नस्ल है, भैंस की नस्ल को आपको क्या है चूज करना है। तो यहां देखिएगा गीर, राठी और कांकरेज, गीर राठी और कांकरेज किसकी है, तो बेटा ये गाय की नस्ल है ये। मुर्रा, जाफराबादी और सूरती ये किसकी नस्ल है, तो ये बेटा भैंस की नस्ल है। पश्मीना, बारबरी और मालबरी, तो ये बेटा किसकी है, ये बकरी की नस्ल है। लोही, मैरिनो और कोरिडेल ये किसकी है, ये भेड़ की नस्ल है। तो यहां भी क्या है, राइट आंसर जो है बी है बेटा, यहां भी क्या है बी इसका सही जवाब है, ये ध्यान रखना। मुर्रा, जाफराबादी, सूरती और आपके ये भैंस की नस्ल है, ये ध्यान रखना। बिल्कुल बेटा आपके बुलडोजर बाबा जी बेटा बिल्कुल सही है, बी एग्रीकल्चर रेनबो, बिल्कुल बेटा बी राइट आंसर है। चले बेटा अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक डीएनए सूत्रक में आधार पेयर वाले बॉन्ड है, एक डीएनए सूत्रक में आधार पेयर वाले बॉन्ड है ये बताना है आपको। एडेनिन, गवानिन और साइटोसिन, और आपके एक इधर जो बच जाएगा यूरेसिल, डीएनए और आरएनए में। इनमें जो है ये आपके जो है इसमें होते हैं जो डीएनए सूत्रक में, तो ये आधार पेयर वाले बॉन्ड है ये होते हैं वंडरवॉल बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और फॉस्फेट बॉन्ड। तो ये एच बॉन्ड होते हैं बेटा जी, ध्यान रखना कौन सा होता है, एच बॉन्ड होता है ये ध्यान रखना, एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनमें, ये ध्यान रखना आपको। तो क्या है सी इसका राइट आंसर है, डीएनए और आरएनए, तो यहां डीएनए में पूछा है तो सही आंसर है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, पेंटेड बग किस फसल का कीटनाशक है, कीटनाशक नहीं कीट है ये आना चाहिए इसमें, ये बताइएगा पेंटेड बग जो है किस फसल का कीट है आपको ये बताना है। पेंटेड बग तो बैगाड़ा हिलारिस, बैगाड़ा हिलारिस किस में, चने में, तो चने में कौन सा है पोड बोरर, चने में कौन सा है बेटा पोड बोरर। मस्टर्ड में कौन सा है पेंटेड बग, ये रहा। कपास में क्या देखने को मिलेगा, कपास में व्हाइट फ्लाई। मटर में क्या देखने को मिलेगा, पोड बोरर, मटर में पोड बोरर। सरसों में बिल्कुल बेटा ब्रेसिका स्पेसीज, सरसों में बिल्कुल सही है, ये जो रंग बिरंगा जो होता है ना रंग बिरंगा, ये पेंटेड बग, ये आपको हार्वेस्टिंग के टाइम देखने को मिलेगा, हार्वेस्टिंग के टाइम। सफेद लट, सफेद लट बेटा यहां कहां दिख रहा है, फिटनेस फ्रेंक बॉक्सर जी सफेद लट कहां दिख रहा है, यहां पर सफेद लट नहीं है बेटा। अमन जी बिल्कुल बेटा सही है आपका, जो है मस्टर्ड आपने जो बताया राइट आंसर आपका, पेंटेड बगेरा, ये हार्वेस्टिंग के टाइम आपको देखने को मिलेगा विशेष रूप से। हाँ सफेद लट मूंगफली में, बिल्कुल बेटा सही है सफेद लट, यहां क्या है बी इसका राइट आंसर है। अच्छा चने का बोटनिक, इसका साइंटिफिक नेम हेलिकवर्पा आर्मीजरा, हेलिकवर्पा आर्मीजरा है बेटा इसका, हेलिकवर्पा आर्मीजरा, बी बिल्कुल सही है। मोइला एफिड सारा यहीं पर है,
208वें गवर्नमेंट कॉलेज। बेटा थोड़ा सा बेटा विशाल जी विष्णु जी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है बेटा। गवर्नमेंट कॉलेज तो 260 प्लस, हाँ ये फायदा जरूर होगा इस बार जो 29 कॉलेज है वो सभी के सभी रन करेगी, लगभग 60 सीटें हैं। तो देखिएगा 3600 लगभग 1740 आपके पोस्ट जो है आपके जो है उसमें थोड़ी सी जो है ज्यादा है। 29 कॉलेज जो है सरकार ने घोषणा की थी वो जरूर बढ़ेगी। तो पहले 260 के लगभग मेरिट की संभावना थी गवर्नमेंट कॉलेजों में, तो लगभग अब ये मान के चलिएगा कि 235 के लगभग जो है मेरिट रह सकती है गवर्नमेंट कॉलेजों की। गवर्नमेंट जो कॉलेज है उनकी 235 के आसपास रह सकती है। अब आ जाओ प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग के पश्चात 100 किलोग्राम प्लांटेगो ओवेटा प्लांटाजिनेसी के बीजों से कितनी भूसी प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन बताना है कि प्रोसेसिंग के पश्चात 100 किलोग्राम इसबगोल के बीजों से कितनी भूसी प्राप्त की जाती है। अब देखिएगा ये भूसी जो है ये है क्या, तो देखिएगा इसका जो सीड जो होता है ना उस सीड के ऊपर का सीड कोट जो आवरण होता है उसे आप क्या कह सकते हैं भूसी कहते हैं, ये ध्यान रखना। अब आपको ये बताया अच्छा अगर कैटेगरी में है तो बेटा हो सकता है कैटेगरी में। अब देखिएगा अगर हम बात करें तो यहां क्या है 70:30 ये देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर क्या है 30 किलोग्राम जो है सही होगा, 100 में से 30 किलोग्राम भूसी होती है ये ध्यान रखना। प्लांटेको ओवेटा प्लांटाजिनेसी और ये क्या है तो औषधीय आपके जो है पादप आपके है, ये औषधीय पादप है। कहां होता है तो ये राजस्थान में होता है और गुजरात में होता है, ये ध्यान रखना आपको। और अगर आप देखेंगे इसमें तो ये रबी की क्रॉप है, रबी की फसल है ये ध्यान रखना। अगर इसमें सीड रेट की बात करोगे तो लगभग आपके 7 से 8 किलोग्राम पर हेक्टर सीड रेट होता है इसमें, 7 से 8। तो क्या है राइट आंसर बेटा इसका बी आंसर है, ये ध्यान रखना आपके। फिर 74 नहीं बेटा 70:30 का रेशियो होता है, ये ध्यान रखना इसमें एग्जैक्ट हमेशा 30 किलोग्राम ही आता है इसमें, एग्जैक्टली यही आता है ध्यान रखना आपको, इतने ही आते हैं 30 किलो आपके जो है 30% आता है ये ध्यान रखना। यहां किलोग्राम में पूछा है तो 30% याद रखो आप, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नकलिंग किसकी विधि है, गाय और भैंस को साफ करने की, गाय और भैंस का दूध निकालने की, गाय और भैंस के निवास की, जानवरों को विटामिन और खनिज देने की। तो देखिएगा यहां पर ये जो मेथड है यानी कि ये तो फिंगर्स है आपकी, ये तो क्या है जैसे थन है। अब ये थन आपके यहां अंगुलियों के बीच में रखा और आपके अंगूठों से दबाना, तो ये दूध निकालने की एक दोष युक्त विधि है, ये ध्यान रखना। नकलिंग अंगूठा इसमें क्या है सहारा देता है, ये ध्यान रखना। तो थन के ऊपर अंगूठे का फोर्स पड़ता है, तो यहां क्या है नकलिंग मेथड में आपके गांठ बनने की संभावना है, ये ध्यान रखना। तो क्या है दूध निकालने की विधि है और फुल हैंड जो मेथड है ये क्या है सबसे सेफ और सबसे अच्छा मेथड है, ये ध्यान रखना आपको। तो नकलिंग मेथड जो है ये क्या है आपके गाय भैंस का दूध निकालने की विधि है, ये ध्यान रखना आपके। तो क्या है इसका बी राइट आंसर, गाय और भैंस का दूध निकालने की विधि है नकलिंग, ये ध्यान रखना। नकलिंग का कोई ये मतलब मत समझ लेना कि जो आपके बुल में जो नाक में जो डाली जाती है नात डालना जिसको कहते हैं वो नहीं है, बिल्कुल सही है। तो बी इसका राइट आंसर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रतीप शंकर है, अरे भाई प्रतीप शंकर को ध्यान रखना बैक क्रॉस कहते हैं और बैक क्रॉस का आपको थोड़ा सा बताऊंगा इंतजार रखें, इसका बताइएगा बैक क्रॉस है ए इंटू बी इंटू सी, ए बी इंटू सी डी, ए बी इंटू ए बी इंटू, कौन सा राइट आंसर होगा,
किसका बैक करो उसका बताना है आपको, बताइएगा। बताओ बेटा देखिए क्या होगा, बैक क्रॉस, बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल बेटा सी आंसर। अब देखिएगा यहां पर ये ए बी है, यानी कि जो एफ वन पीडी है उस एफ वन पीडी को अपनी पूर्वज पीढ़ी से आपके क्रॉस करवाना, और वो भी आपके ध्यान रखना है। तो यहां क्या है, ये ए बी है और यहां इसको किससे क्रॉस करवा रहे हैं, आपके बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में हमेशा उसके पूर्वज से क्रॉस करवाया जाता है, ये ध्यान रखना, पूर्वज से क्रॉस कराया जाता है। तो राइट आंसर यहां क्या है, सी है, ये ध्यान रखना आपको, सी इसका राइट आंसर है। जो बी आंसर दे रहे हैं ना वो गलत है भाई, सी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। बिल्कुल अमन गढ़वाल जी, सी आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है फिटनेस फ्रेंक बॉक्सर जी। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, धान की फसल का अनुहरण खरपतवार है, यानी कि धान की फसल से मिलता जुलता खरपतवार कौन सा है। आपने सुना होगा धान की फसल का, यह तो अनुकरण पूछा है, इसको लिख लीजिएगा नकलची खरपतवार, यानी कि देखने में आपस में क्या लगते हो, एक जैसे लगते हो, यह ध्यान रखना आपको। तो देखिएगा फैलेरिस माइनर, तो यह किसका है, यह गेहूसा का है, ये गेहूसा का है, और ये किसका है, तो ये गेहूं का क्या है, आपके अनुहरण या नकलची खरपतवार है। बिल्कुल बेटा यही है मामा जी, यही तो है मामा जी, और मामा जी किसके हैं, ये गेहूं के मामा जी है, ये ध्यान रखना आपको। इसे बेटा गुल्ली डंडा भी कहते हैं, गुल्ली डंडा बचपन में बहुत खेले होंगे। साइनेडोन डेक्टाइलोन बेटा ये रहा मोथा, एकाइनोक्लोवा क्रूस गेली, बिल्कुल बेटा सही है आपके, एकाइनोक्लोवा क्रूस गेली, जंगली धान जो आप कहते हैं, बिल्कुल धान का यही है बेटा। सेटेरिया ग्लोका आपके, इसे फोक्सटेल कहते हैं, ध्यान रखना फोक्सटेल, ये मोटे अनाज में आपके काउंट होता है, ये ध्यान रखना, वैसे आप वीड के रूप में देखते हैं इसे। इकाइनोक्लोवा क्रूस गेली, इकाइनोक्लोवा क्रूस गेली क्या है, जंगली धान, और सांवा आपने सुना होगा, सांवा और जंगली धान। चले बेटा यहां क्या है, राइट आंसर आपका सी है, ये ध्यान रखना। अब देखिएगा आज आपके पास अभी 8 बजने वाले हैं, एक घंटे का समय है, ये ध्यान रखना। आइसोप्रोटिनोन फेल हो चुका है बेटा, नहीं काम करता आइसोप्रोटिनोन, आजकल तो मेट सल्फ्यूरान पे आ गई 4 ग्राम मात्रा। देखिएगा ये ऑल राजस्थान जेट स्कॉलरशिप टेस्ट है आपके, जिसको कहा जाए तो 2023 के लिए, टॉप 15 को 50%, टॉप 5100 को 25%, और 101 से लेकर के 200 विद्यार्थियों को 10% टॉप। टेस्ट आज अभी लाइव चल रहा है, 9 बजे तक ये रहेगा, और रात को लगभग 9:30 बजे इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा, और इसका पेपर सॉल्यूशन, ध्यान रखना इसका पेपर सॉल्यूशन है आपका कल सुबह 8:30 बजे, इसका पेपर सॉल्यूशन है कल 8:30 बजे, एग्रीकल्चर का और बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का, तीनों का क्या है आपके ये पेपर सॉल्यूशन होगा कल 8:30 बजे, ये ध्यान रखना। तो कल मॉर्निंग की क्लास भी आप मिस नहीं करें। टेस्ट ड्यूरेशन आवर 2 घंटे है, 2 घंटे में आप अटेंड कर सकते हैं, रात को ठीक 9 बजे ये आपके बंद हो जाएगा। उत्कर्ष के ऐप के माध्यम से ये टेस्ट दे सकते हैं, ये ध्यान रखना। अगर आगे देखें तो देखिएगा ये जेट का फाउंडेशन कोर्स आपके इसको माध्यम से, आपको जेट के फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से मिलेगा, ये ध्यान रखना। कितने नंबर का है तो बेटा देख लो आपके क्या है, 120 क्वेश्चन है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 12 चौक 48, 480 का है। लाइव ऑनलाइन कोर्स है, ये ध्यान रखना, 15 जुलाई से आपके ये स्टार्ट हो रहा है, मात्र ₹5,000, नाम मात्र की फीस है, नहीं के बराबर फीस है, ये ध्यान रखना। आपको ऐप के माध्यम से आप इसको दे सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक 9 बजे तक आपके ये कोर्स है, तो 8 बजने वाले हैं, 9 बजे आप ये जो है दे सकते हैं, ये ध्यान रखना। गुड इवनिंग हिमांशु जी, गुड इवनिंग बेटा। आइएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विथानिया सोमनीफेरा है फलदार पौधा, सब्जी वाली फसल, औषधीय या शोभाकारी।
तो विथानिया सोमनीफेरा आपके किसको कहते हैं बेटा? अश्वगंधा को कहा जाता है। विथानिया सोमनीफेरा किसे कहा जाता है? आपके अश्वगंधा को कहा जाता है। ये रहा बेटा सी इसका राइट आंसर है। औषधीय पौधा क्या है? औषधीय पौधा, ये ध्यान रखना आपको। क्या है? औषधीय पौधा इसका क्या है? सी राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। सुपरवाइजर का कब होगा? तो बेटा सुपरवाइजर का आपके क्या है, 12 तारीख को शायद सुपरवाइजर का है पेपर, 12 तारीख को। 15 तारीख से चलेगा वो भी बेटा, 15 से चलेगा, 12 को होगा बेटा वो। तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को, ज्यादा से ज्यादा आपके जो परिचित है जिनके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, उनको जरूर आप ये टेस्ट देने के लिए मोटिवेट करें, क्योंकि पूरे साल का कोर्स बेटा मात्र 5,000 रुपए में, नाम मात्र की फीस है, पूरे साल भर चलेगा। फिर आपके क्रॉस जो क्रेश कोर्स चलेगा उसमें भी आपको क्या है, इसमें मौका मिलेगा, क्योंकि क्रेश कोर्स इस बार ऑफलाइन चलेगा, ये ध्यान रखना आपको। तो वहां क्या है, आपकी अगर अभी से तैयारी होगी तो आप बेटर कर पाएंगे। ये सिर्फ आपके क्या है, जिसको कहा जाए जेट नहीं बेटा, इसके माध्यम से आपकी क्या हो जाएगी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भी तैयारी हो जाएगी साथ साथ। तो ये किसका है? औषधीय पौधा है बेटा, ये ध्यान रखना, औषधीय पौधा। तो विथानिया सोमनीफेरा क्या है? आपका औषधीय पौधा है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन पर। एक वयस्क बकरी के लिए लगभग कितनी जगह की जरूरत होती है? एक वयस्क बकरी के लिए लगभग कितनी जगह की जरूरत होती है बेटा? उसके लिए कूपन कोड आपको एक्टिव हो जाएगा, कूपन कोड मिल जाएगा आपको। हाँ, विंटर चेरी अश्वगंधा को। एक वयस्क बकरी के लिए लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है? सवा से लेकर के 1.5 वर्ग मीटर, 2.5 से 2.5 वर्ग मीटर, 3.5 से 3.5 वर्ग मीटर, 4.25 से 5 वर्ग मीटर। सोच करके जवाब लगाना बेटा इसका, सोच करके। अब 1 मीटर में देखोगे तो लगभग आपके कितना, 3.25 फीट देखने को मिलेगा, 3.25 फीट औसत। अब यहां कह रहा है कि 1.25 फीट, 1.25 फीट का मतलब हो गया लगभग, आप ये मान के चलिएगा कि 5 फीट क्या करती, क्या बकरी जो होती है 5 फीट लंबी थोड़ी होती है, और 5 फीट 4 भी माने तो देखिएगा बेटा, 4 इधर 4 इधर, तो ये बेटा सही है, ध्यान रखना आपके। लगभग 4 से लेकर के आपके 4.5 से लेकर के 5 फीट की डिस्टेंस की आवश्यकता होती है बकरी को, तो ये ध्यान रखना, ए इसका राइट आंसर है, ए इसका राइट आंसर है। एक वयस्क बकरी को 1.25 से लेकर के 1.5 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसमें व्यक्त की जाती है? एक निरपेक्ष आपके निरपेक्ष आर्द्रता होती है, और एक सापेक्ष आर्द्रता होती है। हाँ, पिछले संडे बेटा स्पेशल क्लास नहीं हुई थी, लेकिन इस संडे को है स्पेशल क्लास, सुबह आपके ठीक 8:30 बजे से, तो क्लास को मिस नहीं करना है, अपने ज्यादा से ज्यादा सहयोगी मित्रों को इस क्लास में आपको जोड़ना है, ये ध्यान रखना। सापेक्ष आर्द्रता किसमें अभिव्यक्त की जाती है? एमएम में, ग्राम सेंटीमीटर घन मीटर में, किलोग्राम आपके घन मीटर में, प्रतिशत में। तो ध्यान रखना सापेक्ष आर्द्रता को, हमेशा सापेक्ष आर्द्रता जो होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसे आप आरएच कहते हैं, उसे परसेंट में लिखा जाता है, यह ध्यान है। किसमें लिखा जाता है? परसेंट में लिखा जाता है, यह ध्यान रखना आपको। उत्पादन की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल कौन सी है? उत्पादन की दृष्टिकोण से, उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल मूंगफली, सोयाबीन, सरसों और तिल। बेटा ये करंट का मामला समझ लो चाहे इसे आप, ये 2018 में पूछा था, लेकिन अब करंट में भी आप समझ लो। उत्पादन की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल कौन सी है? तो ध्यान रखना भारत की सबसे मुख्य तिलहन फसल कौन सी है? भारत की भी सोयाबीन है, ध्यान रखना, और विश्व की भी सोयाबीन है। सोयाबीन के बाद में जैसे क्या है आपका सरसों का नंबर आ रहा है, और फिर आपके क्या है मूंगफली का नंबर आ रहा है। भारत की ये है, राजस्थान की ये है, ध्यान रखना आपको, सरसों, राजस्थान की सरसों है। तो यहां राइट आंसर क्या है? बी सही जवाब है इसका, सोयाबीन। सबसे ज्यादा उत्पादन सोयाबीन का होता है, ये ध्यान रखना, मूंगफली नहीं करना है।
जैसे क्वेश्चन पूछा था जेट में सबसे ज्यादा गोवंश किस में है, तो सभी ने धमाधम आंसर लगा दिया था ब्राजील ब्राजील ब्राजील। अरे बेटा ब्राजील नहीं है, भारत है, हमने बताया था, ये ध्यान रखना। तो सोयाबीन है, ये ध्यान रखना आपको। भारत की महत्वपूर्ण तिलहन फसल सोयाबीन है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि भारत की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले तेल की फसल कौन सी है, तो हम सबसे ज्यादा तेल किसका खाते हैं, मूंगफली का खाते हैं, ये ध्यान रखना। तो बेटा तेल पूछे तब कहना मूंगफली, अगर फसल पूछे तो जवाब आपको सोयाबीन का ही देना है, ये ध्यान रखना आपको। ये वही चीज है जो जेट में पूछ लिया था इस बार ब्राजील और भारत वाला मामला, तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। डाटा आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, ये ध्यान रखना, डाटा आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, ये ध्यान रखना। तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल सोयाबीन है, ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा उत्पादन सोयाबीन का होता है। एक बार पुनः जोर देकर के कह रहा हूं, पुनः आपको ध्यान दिला करके कह रहा हूं कि सोयाबीन आंसर कर देना अगर क्वेश्चन पूछे तो। अगर खाने के रूप में पूछे तो खाने के रूप में आप जो है किसका बताएंगे, तेल मूंगफली का तेल खाते हैं, ये ध्यान रखना। आ जाओ बेटा यहां पर, बंद गोभी की बीज दर है लगभग, बंद गोभी कह दो चाहे पत्ता गोभी कह देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्वास्थ्य के ऊपर। डाटा करवा देंगे बेटा, कोशिश करेंगे नेक्स्ट संडे आपके क्या है स्पेशल क्लास में कुछ डाटा और करंट योजना लेकर के। पत्ता गोभी, बंद गोभी की बीज दर है लगभग 200 ग्राम 400 ग्राम 600 ग्राम और 800 ग्राम। अब देखो बेटा एक आती है फूल गोभी, तो बेटा फूल गोभी में आपके क्या है सीड रेट 600 से लेकर के 700 ग्राम मान लो। एक आती है पत्ता गोभी पैसे, पत्ता गोभी पैसे 500 ग्राम। अब 500 से 600, लेकिन हमेशा वैल्यू कौन सी मानी जाती है लोवरेस्ट वैल्यू 500, तो 500 नहीं है तो बेटा इसका 400 ग्राम मान लो आप, तो 600 ग्राम ज्यादा हो जाएगी बेटा, क्योंकि 400 इसलिए मानेंगे क्योंकि इसकी पछेती करेंगे ना, तो पछेती में 350 से लेकर के 400 ग्राम आती है, तो इसका राइट आंसर बी मान लेते हैं, ये ध्यान रखना आपको। इसका क्या है बी है राइट आंसर, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई बी इसका क्या है राइट आंसर है। अब ध्यान रखना जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया या आपके जो परिचित जो टेस्ट देना चाहते हैं वो ध्यान रखना, इसको मौके को इसको हाथ से नहीं आपके जाना चाहिए, बहुत नाम मात्र की फीस है, ये ध्यान रखना। क्लास कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट्स जरूर करें, अगर क्लास अच्छी लगी और चैनल को अगर आप लाइक करते हो तो चैनल को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करवाने की कोशिश करिए, यानी कि आपके जितने भी जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी है उनके लिए आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड में इतने विशेष ऑनलाइन आपके क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन आपको नहीं मिल पा रही है। तो ध्यान रखना ये उत्कर्ष का जो उत्कृष्ट चैनल आपके साथ में जुड़ा हुआ है और आप उत्कर्ष के साथ जुड़कर उत्कृष्ट तैयारी कर सकते हैं, तो चैनल को जरूर आप जो है अपने डिजिटल माध्यम से जरूर डिजिटल माध्यम से शेयर करें, ये ध्यान रखना। कल सुबह ठीक 8:30 बजे की विशेष क्लास में मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के साथ, तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर, अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।